हेलो दोस्तों, माय नेम इज सैयद खान, आपके यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टाटा एस एच टी प्लस। लेकिन टाटा एस तो ये इन्होंने लोगो लगा के दिया और आपका एच टी और प्लस ये लगा के दिया। और टाटा मोटर्स का देखिए कितना शानदार और बहुत अच्छा ये लोगो दिया है और आगे से भी बहुत अच्छी गाड़ी है। बी एस सिक्स की टाटा मोटर्स ने गाड़ी निकाली है। और अगर हम इसके इंजन की अगर बारे में बात करते हैं, इसमें दो सिलेंडर इसमें इंजन टाटा मोटर्स ने लगा के दिया है 800 सीसी कॉमन रेल इंजेक्शन के साथ में। अगर हम 12 अगर मैक्सिमम इसके पावर के बारे में बात करते हैं कि 26 किलोवाट 200 RPM के साथ में इसमें पावर है इसके अंदर। और अगर हम इसका टॉर्क की बात करते हैं, आपका 85 Nm 2750 RPM के साथ में इसमें टॉर्क भरपूर लगा के दिया है टाटा मोटर्स ने। अगर इसकी हम ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी इसकी है 36%। अगर इसके अंदर गेयरबक्सी की अगर हम बात करते हैं, GBS 65 इसके अंदर जीए पे लगा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसके टायर आपके इसके अंदर सीट के टायर लगा के दिए। और बैटरी की अगर हम बात करते हैं, अगर बैटरी आपकी 56 एम्पेयर की इसके अंदर 56 एम्पेयर की इसके अंदर बैटरी लगा के दिए। और हम डेप्थ का टैंक की अगर हम बात करते हैं, डेप्थ का टैंक इसका 10.5 लीटर का इसमें टैंक है। अगर इसके अंदर हम बात करते हैं डीजल टैंक के बारे में, डीजल टैंक है इसका आपका 30 लीटर का। और अगर हम बात करते हैं इसकी बॉडी के बारे में, ये बॉडी आपकी इसकी लेंथ है आपकी 8.2 फीट लंबी और चौड़ाई की अगर बात करते हैं 4.9 चौड़ाई है इसके अंदर। और अगर इसकी GVW का हम बात करेंगे, 1950 GV इसमें W है लगा बहुत। और अगर हम इसके अंदर पेलोड की बात करेंगे, इसके अंदर 900 किलोग्राम का इसमें छाइए पूरी गाड़ी दिखाइए इसके अंदर। इसके देखिए टाटा मोटर्स ने स्टॉपी यहाँ लगा के दिए। 5 टायर हैं जिसमें से 4 अपने लेंथ पर होते हैं और 1 इन्होंने टायर से दिए। इसके अंदर भी 3 इसमें पार्किंग सेंसर लगा के दिए हैं, जो पीसी की अगर गाड़ी हमारी आती हो तो आगे सिग्नल हो जाए जिसकी वजह से ये गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ दे। अब आप कहते हैं बैकलाइट की, बैकलाइट भी इन्होंने वही सेम लगा के दी है, वैसी बैक लाइट का आपका रिवर्स लाइट स्विच इसमें लगा के दिए लाइट। इन्होंने धूल मिट्टी रोकने के लिए पैनल लगा के दिए कि पीछे की जो आपका लेंथ मिट्टी हो वो जो जाए नहीं पीछे को। अगर सस्पेंशन की अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें पैराबोलिक के इसमें सस्पेंशन लगा के दिया है। और अगर इसके अंदर टायर के अंदर बात करते हैं, इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स लगा के दिए हैं। और पीछे वाली की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर ड्रम लगा के दिए हैं। और आइए हम चलते हैं अंदर, इसके अंदर आगे अंदर क्या क्या चीज़ चेंज करके दिए। दोस्तों ये आपका पूरा इंटीरियर आ गया, आपका ECU इन्होंने वहाँ लगा के दिया है। ये पीछे बैकलाइट में इसमें बोतल भी रख सकते हैं। देखिए स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। और जो है आपका इन्होंने एक्सीलेटर पेडल पहले से इन्होंने चेंज करके दिया है। और स्टीयरिंग भी इन्होंने पहले से बहुत चेंज करके दिया है, जैसे छोटी कारों में आता है वैसी ही इन्होंने दिया है। और इनकी सीट देखते हैं, ड्राइवर साहब की कैसी सीट है, बहुत इन्होंने इसमें भी कंफर्टेबल लगा के दिए हैं। और USB केबल भी इन्होंने ये लगा के दिया है, जो आपको मोबाइल चार्ज करने रीजनरेशन के लिए दिया है। आपकी पहले लाइट होती थी, लाइट को इन्होंने कट ऑफ कर दिया या कोई भी चीज़ इसमें लगा सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम का इन्होंने ये कट ये निकाल दिया है। ये 5 गियर हैं इसके अंदर, 6 गियर हैं सॉरी, और 5 फ्रंट और 1 रिवर्स। अगर हम इसके क्लस्टर के अंदर हम बात करेंगे तो क्लस्टर भी इन्होंने बहुत चेंज करके दे दिया है। अगर ये हमारी डैफ की इसके अंदर ये आ गई है, डैफ का ये ऊपर का संबल दिखाएगा जिसमें DF लिखा हुआ, और आपका ये फ्यूल मीटर का दिखाएगा और ये आपका टैंक का दिखाएगा। वैसी ही इन्होंने यहाँ पर किलोमीटर का जो है, जैसे आपकी गाड़ी चलेगी तो किलोमीटर ये 1x1 बढ़ जाएगा। वैसे अगर इसकी बात करते हैं कि ऑयल लाइट की ये है और आपका अल्टरनेटर को अगर ये इसका ये लाइट। और अगर हम इसकी बात करें इसके डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड भी देखिए कितना कंफर्टेबल दिया है। और ड्राइवर के लिए ये सनग्लासेस भी दिए हैं, आपके लाइट भी ये है। और देखिए सीट भी बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बना के दिए। और आपका यहाँ आपका कोई ना कोई चीज़ भी रख सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, पेपर हैं गाड़ी के, ये आपका और अगर ब्रेक ऑयल की बात करते हैं, हमारा ब्रेक ऑयल यहाँ पड़ेगा आपका। और ये आपका
कूलेंट का आपका ये है, कूलेंट की बोतल यहाँ लगेगी, यहाँ लगी है। फ्यूज बक्सा इन्होंने यहाँ लगा के दिया है, आगे फ्यूज बक्सा यहाँ लगा के दिया है। कोई भी अगर फ्यूज में कोई प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ से आप चेक करेंगे। दोस्तों अगर हम इसकी वारंटी के बारे में अगर बात करते हैं, दो साल और 72,000 किलोमीटर इसकी वारंटी है, और हमारी ये स्पीड जो है आपकी 80 की स्पीड ये गाड़ी चलेगी, टाटा एस HT। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, कीमत इसकी हर स्टेट में अलग अलग होती है, और इसकी जो है मुझे कीमत यहाँ पर मुझे मालूम नहीं है, जैसे मुझे मालूम होगी वैसे ही मैं आपको इसमें लिख के दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार, जय हिंद। मेरी दूसरी वीडियो आ रही है आपकी क्लस्टर के अंदर किलोमीटर कैसे चलता है, और अगर किलोमीटर हमारा नहीं चलेगा तो गाड़ी में क्या क्या परेशानी आएगी। नमस्कार, जय हिंद।